रेडियो सिटी 91.1 पर दीपिका के साथ हैं आप, और मेरे साथ हैं हमारे नागपुर की झिंगा बाई टाकली में रहने वाले जयंत तांदुलकर जी, जो कि बहुत ही कमाल के मिनिएचर वुडन क्राफ्ट आर्टिस्ट हैं और बॉटल आर्ट भी बनाते हैं, और इसके अलावा इन्होंने बहुत ही कमाल की चीज़ बनाई है, 1 इंच की भागवत गीता। जयंत जी बताइए, इतनी यूनिक चीज़ बनाने का आइडिया कहाँ से है आपको? ये ऐसा है कि मैंने ऐसा सुना था बहुत सी जगह, जैसे छोटे छोटे बुक्स, पॉकेट बुक्स वगैरह बनाते, तो उसी से मैं इंस्पायर हो गया, बोला अपन एक भगवद गीता या अपने जो धार्मिक ग्रंथ है उसको छोटा छोटा अपन भी बना सके। अच्छा, तो मैंने फिर उसको एक एक स्पेशल एक फॉन्ट में उसको टाइप किया कंप्यूटर पर। अच्छा, और उसको सबसे छोटे फॉन्ट में उसमें किया होगा आपने, उसको प्रिंट किया कंप्यूटर के माध्यम से। की इतनी सी मतलब की तो मुझे बताइए कि कितने पेजेस की है वो? उसमें करीब करीब 254 पेजेस है, पूरे 18 अध्याय और आखिरी में आरती वगैरह सब उसमें। बाइंडिंग कैसे की उसकी, ये भी बड़ा मिस्टीरियस चीज़ है। एक्चुअली ऐसा हुआ कि बाइंडिंग वो बुक, मुझे बाइंडिंग का काम तो आता नहीं था, बाइंडिंग वो सब बुक्स बनाने के बाद मैं बाइंडिंग के लिए नागपुर के जो बाइंडर्स है तो उनके पास गया, 5-6 बाइंडर्स के पास अच्छे अच्छे जो फेमस है, वो इतनी सी छोटी सी बुक देखने के बाद तो वो बोले कि नहीं, इतने छोटे बुक का बाइंडिंग तो हम लोगों ने कभी किया नहीं है, ना कर पाएंगे। तो मैं थोड़ा सा निराश हो गया, फिर मैं घर में आया, फिर ऐसा सोचा कि नहीं, अपने को तो एक काम करना है किसी भी हालत में। तो मैं एक घर में एक कुछ एक रजिस्टर था तो उसको मैंने खोल के देखा पीछे से, और पूरा उसको एक एक पेज अलग किया, वो बाइंडिंग कैसे बनते हैं उसकी, क्या बात है। और फिर उसी से मैं सीखा कि बाइंडिंग कैसे होते हैं, वैसे सेम मैंने अपने भगवद गीता की बाइंडिंग की।